नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। अभी तो मैं घर की सफाई कर रही हूँ, इसके बाद बाकी काम करे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट रखते हैं अपना आज का वीडियो। आप भी देखिए क्या क्या करा है आज अपने पूरे दिन में। बिस्तर पर कुछ करना था, चादर चेंज करी लेना आज ही। समझदारी बिस्तर पे सो सो करती नहीं है। छोड़ देगी ना फर्स्ट यहाँ पे सीढ़ियों पे, पता नहीं छोड़ लो सो सो कर देगी। सारा काम हो गया है, सोना भी नहा गई, हम लोगों का लंच वगैरह सब कुछ हो गया है। अब मैं थोड़ी देर इसके साथ बैठूंगी, मुझे ना इसको साथ में रखना अच्छा लगता है,
ये ना शांत सा एकदम, इधर उधर कहीं नहीं भागेगा, बस ऐसे ना सहारा लेके बैठा रहेगा। और मतलब इसकी अच्छी आदत है कि ना बिस्तर पे सूसू या ऐसे कुछ नहीं करता है ये ना, लेकिन फिर भी मैं एहतियात के तौर पे ना लगा के रखती हूँ अखबार इसके नीचे कि बाई चांस कहीं कर दे तो फिर चादर चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए तो मुझे अच्छा लगता है इसके साथ बैठना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको बोलती चोर, हमेशा चोरों की तरह बैठा रहता है, बिल्कुल ऐसे ना चौकन्ना सा होके एकदम से। देखो मैंने इसको रखा इधर ना कि मटर खा ले, लेकिन नहीं कुछ नहीं खाएगा। अगर हाँ इसे आप ऊपर छोड़ दोगे ना खरगोशों के पास तो फिर तो ये खाएगा जाकर के खाना ना उनके बीच में, है ना, खाता है ना नैना सोना खाना वहाँ पे, है ना, हाँ वहाँ पर तो खाता है ऊपर, और नीचे रियाओ तो नहीं खाता है। और देखो आज तो ना ये नैना के हाथ से खा रहा है मटर। नैना ने बोला अरे मम्मी देखो देखो ये खा रहा है मटर। तो नैना अक्सर को ना गोद में उठा के रखती है तो शायद सोचता है इसीलिए खा रहा हो। और देखो यहाँ पे नीचे बिठाया ना इसको तो बिल्कुल चुप, देख रहे हो बिल्कुल भी नहीं हिल सकता, मतलब ना ऐसे एकदम से बैठ जाएगा कि बस ये है ही नहीं यहाँ पर, इस तरीके से बैठा रहता है और बिल्कुल साफ रहता है। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे यही लगा, अगर किसी को पालना है ना तो ये तो अच्छे हैं पालने में ना यार। खरगोश ना बहुत गंद मचा देते हैं, ये इतना गंद नहीं करते, अच्छे लगते हैं। इसके पापा भी कह रहे थे कि अरे खरगोशों को ना वापस कर दो, दिल में तो मेरे ऐसे आ रही है, लेकिन क्या करें नैना नहीं मान रही हमारी ना, उसको खरगोश पसंद है बस, नहीं मेरे को चाहिए, नहीं वापस नहीं करने। मैं बोल रही हूँ कि चल दो रख ले, दो वापस कर दे बड़े वाले ना, क्योंकि वो छोटे वाले हैं वो भी बड़े हो गए अब तो, लेकिन नहीं देखो कितना प्यारा लग रहा है जो मुँह उठा करके ना ऊपर प्यारा सा अब खिलाएगी, लेकिन अब इसने खाया नहीं दोबारा से ना, मुँह के पास रखा उसने लेकिन नहीं अब नहीं खा रहा है। ये ना डरते बहुत हैं, और आज के रात के खाने में मैं बनाऊंगी दही की सब्जी, यानी कि दही को छौंकूंगी। तो मैंने उसके लिए क्या करा है, प्याज को काट लिया है और ये टमाटर है इसको भी मैंने चॉपर में कर लिया है, तो ज़्यादा पतले नहीं करूँगी, बस ऐसे ही थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा रहे इतना करूँगी, और ज़्यादा पकाऊँगी भी नहीं। तो अभी तो मैं प्याज भून रही हूँ, थोड़ी सी प्याज भूनने के बाद मैं इसके अंदर जो ये मसाले हैं ये मसाले डाल दूँगी, थोड़ी सी हल्दी और मिर्च, हल्का सा गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये डालकर मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी ताकि अच्छे से भुन जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए इनका। और अब मैं डाल दूंगी टमाटर, टमाटर डालने के बाद इस मसाले के साथ थोड़ी देर भूनूंगी, और फिर मैं इसमें अब डालूंगी नमक, क्योंकि अभी तक मैंने नमक नहीं डाला ना इसके अंदर, तो अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी, जितना इस सब्ज़ी में लगेगा उसके हिसाब से डाल दूंगी, अगर कुछ कम रहेगा तो फिर बाद में डाल दूंगी। और इसको ना ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, मतलब ऐसे ना बिल्कुल जैसे कि होता है ना एकदम बिल्कुल मैश नहीं करूंगी, थोड़ा ना ऐसे खड़े खड़े से रहेंगे ये टमाटर भी, बस थोड़ा सा पकाने के बाद। और क्योंकि आज तो वो गए हैं पार्टी में, तो खाने के लिए मैं नैना और उसकी दादी ही हैं, तो बस हमने कहा चलो यही बना लेते हैं आसान सी सब्जी। वैसे तो मैं कितनी बार क्या करती हूँ ना, ऐसे टमाटर और प्याज करने के बाद उसके अंदर मलाई डाल देती हूँ, सिर्फ दही नहीं डालती हूँ, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में ना। और आज दही रखी हुई थी क्योंकि दही ना दो तीन दिन पुरानी हो रखी थी तो थोड़ी खट्टी भी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चल आज ना आज दही छोंक के खाते हैं, बहुत दिन हो गए हमने नहीं भी खाई भी नहीं है, तो बस अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। वैसे तो ना हरी मिर्च डालो ना इसके अंदर काट करके तो वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने में, लेकिन क्योंकि नैना खाएगी तो फिर मैंने ना इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है काट करके। और मैं इसमें थोड़ी सी ना मलाई भी डालूंगी, क्योंकि अगर मैं मलाई डाल दूंगी तो जो हम दही को पकाएंगे ना तो फिर दही फटेगी नहीं, तो अभी मैं इसमें दही ज़्यादा भी नहीं थी, थोड़ी सी दही थी, तो बस दही डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिलाऊंगी इसके साथ,
ज़्यादा नहीं पकाऊंगी मतलब ना। और बस अब मैं इसके अंदर थोड़ी मलाई डाल दूंगी ताकि दही ना फटे, नहीं तो फिर दही फट जाती ना, ऐसे अजीब सी हो जाती है, दाने दाने से बिखर जाते हैं इसके ना। तो बस अब मैं इसमें डाल दूंगी मलाई, और मलाई डालने के बाद थोड़ी देर पकाऊंगी ताकि मलाई अच्छे से बस मेल्ट हो जाए इसके अंदर। इतनी ही देर पकाऊंगी, ज़्यादा देर तो नहीं पकाऊंगी। और साथ में बनाऊंगी रोटियां, बस रात का डिनर तैयार, क्योंकि ये सब्जी तो बहुत जल्दी बन जाती है। बस टमाटर प्याज काटने की देर है, बाकी तो सब कुछ जल्दी से हो ही जाता है और अच्छी लगती है खाने में ना। आप परोठा के साथ खाओ, मुझे तो ना चावल के साथ भी अच्छी लगती है खाने में, खट्टी खट्टी। और मेरी सास को तो लगा कि मैंने कढ़ी बनाई है, तो कह रही खट्टी है कढ़ी बनाई है, तो हमने कहा नहीं कढ़ी नहीं बनाई, वो ना दही की सब्जी बनाई है। फिर नैना ने बताया उनको कि दही की सब्जी बनाई है, तो उन्होंने तो फर्स्ट टाइम खाई है। खैर ना, अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करें। और आप लोग भी सब्जी बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी लगती है खाने में ना। और पराठा के साथ खाओ चाहे रोटी के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और हो सकता है भी आप लोगों ने बना भी रखी हो, जिन्होंने नहीं बनाई है वो ज़रूर ट्राई करें एक बार। जल्दी से बनने वाली झटपट सी सब्जी है ये, कि आप इसे तुरंत से बना सकते हो। बस टमाटर और प्याज को ही काटने का समय लगता है, बाकी तो एकदम जल्दी से बन जाती है। तो चलिए अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो कल तक के लिए बाय बाय।